The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Ki Hal Chal, I'm Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Welcome back to my channel. As you know, I make videos about health and healthcare topics and all my videos are directly referenced from internationally accepted medical library, US National Medical Library. और आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रो टिप्स, प्रोफेशनल टिप्स, और ये एक सीरीज होगी क्योंकि आप जानते हैं हर एक टॉपिक मोस्टली हमारे चैनल पे कवर होता है बहुत डिटेल में, तो लंबा हो जाता है और लंबा वीडियोस कई लोग नहीं देखते या कंप्लीटली नहीं देखते. सो अल्टीमेट जो जिस्ट उनको उसमें लेना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं, उन पॉइंट्स को हम इस प्रो टिप्स में कवर करेंगे शॉर्ट में, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चले, राइट? सो पहला वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं हेयर लॉस का, हाउ टू स्टॉप हेयर लॉस. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आप परेशान हैं और ढूंढ रहे हैं कि हम क्या करें, तो पहले बेसिक क्लियर करिए. बेसिक जब तक नहीं होगा तो दूसरी चीजों का कोई फायदा नहीं, राइट? सो दीज आर द फाइव टॉप important professional tips to stop hair loss. That's why this is important series. So do subscribe and hit the bell icon. Here we go. If you want to know about health and have health concerns, then subscribe to my channel and hit the bell icon. You'll be notified about all upcoming videos. So first tip is to only dry your hairs by air, nothing else. Normal air dry होने दीजिए, बालों को सुखाने के लिए hair dryer use नहीं करना है, बालों को सुखाने के लिए towel भी use नहीं करना है. आप सिर्फ बालों को wrap कर सकते हैं, you can wrap your hairs in some smooth absorbent cloth, cotton के कपड़ा या कोई भी धोती, टी शर्ट, ऐसे स्मूथ से कपड़े से आपको उसको रैप करना है. टॉवल से रैप कर रहे हैं तो टॉवल स्मूथ होना चाहिए, हार्ड टॉवल नहीं होना चाहिए, रिमेम्बर दैट, राइट? रैप करे बस, घसना नहीं है, रगड़ना नहीं है, कोई एयर ड्रायर नहीं, कोई ब्लो ड्रायर नहीं, एयर ड्रायर होने देना है. दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट थिंग टू स्टॉप डैमेज, हेयर डैमेज, राइट? आपके बाल जब गीले हैं सबसे ज्यादा तब डैमेज होते हैं, दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट, राइट? एयर ड्राई योर हेयर व्हेनेवर यू वॉश योर, जब भी बाल गीले होते हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. सेकंड बिगेस्ट थिंग इज स्टॉप यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, राइट? अभी बाल झड़ रहे हैं, ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल आप स्टाइल बाद में कर लेना, जब बाल आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे, अभी स्टाइलिंग वाइलिंग बंद, राइट? नो इंस्ट्रूमेंट, नो ड्रायर, नो स्ट्रेटनर, नो कर्लर, नो इंस्ट्रूमेंट. स्टॉप यूजिंग ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन योर हेयर, इवन कंघी भी मिनिमम करनी है, कोई इंस्ट्रूमेंट बालों को कम से कम लगाना. That is the second biggest tip, right? Third biggest tip is no chemicals, right? आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल अगर कम हो रहे हैं, ये chemicals से ठीक नहीं होने वाले, ये rebonding से या किसी और treatment से, इस तरह से chemical treatment से नहीं ठीक होने वाले. So कोई hair dye, कोई hair color, कोई smoothing, rebonding, कोई relaxation, right? कुछ ये नहीं करवाना है इस समय. Don't even try that. You need to give your hair some months, not days, not weeks. याद रखिए, hair एक कुछ millimeter, बहुत कम centimeter से growth होते हैं. So it takes months कि आपको actual results भारी तरह पे दिखेंगे. So remember, third important thing, no chemicals, no instruments, only air dry, right? और चौथी important चीज है पानी, right? जब भी आप, whenever you wash your hair, the water should be soft. Soft water, hard water होगा, hard water damages your hair, takes out the moisture and dry, brittle कर देता है. So hard water नहीं होना चाहिए. If you don't know whether your home water is hard or not, then take it in a bucket and add some baking soda, baking powder, right? Baking soda, baking powder add कर देने से वो पानी जो है वो soft हो जाएगा. Then wash your hair with that पानी. उस पानी से फिर use करिए. Soft water से अपने बाल धोने हैं. मिनिमम बार धोने हैं, राइट? मिनिमम बार, रोज नहीं धोने हैं, हमेशा धोना नहीं है.
इम्पोर्टेंट है मिनिमम बार, ठीक है। एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज शैम्पू। जी हाँ, शैम्पू में ध्यान रखना है, यू नेवर हैव टू यूज एनी कंडीशनिंग शैम्पू। कोई भी शैम्पू जिसमें लिखा है कंडीशनिंग शैम्पू, जिसमें लिखा है इंटेंस समथिंग, इंटेंस वाला शैम्पू नहीं, कंडीशनिंग वाला शैम्पू नहीं, समथिंग विच इज वेरी माइल्ड, यू हैव टू यूज कोई सिंपल वाला शैम्पू जो कि वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू हो। अगर उसमें लिखा है वॉल्यूम बढ़ाने का है, वॉल्यूमाइजिंग, तो उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सम प्रोटीनी चीज होती है जो प्रोटीन बढ़ाता है, तो प्रोटीन वाली चीजें वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं, उसमें भी मिनिमम केमिकल्स होने चाहिए। रिमेंबर दैट, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शैम्पू की जरूरत नहीं है, कंडीशनर की जरूरत नहीं है। कंडीशनर इस्तेमाल करते भी हैं, कंडीशनर तो उस बालों के लिए करिए जिसमें लिखा है कंडीशनर फॉर थिन हेयर ओनली, थिन हेयर वाले कंडीशनर ही यूज करेंगे, और कंडीशनर सिर्फ टिप्स पे, बालों के सिर्फ टिप्स पे यूज करेंगे और कहीं नहीं, ना सर पे, स्काल्प पे, ना मिडल में, सिर्फ और सिर्फ टिप्स पे कंडीशनर यूज करेंगे। ये तरीके से बाल धोने हैं, मिनिमम बाल धोने हैं, प्रोटीन वाला शैम्पू लेना है, वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू लेना है, सिंपल एग भी लगा सकते हैं आप हेयर पे, एग इज ऑल्सो गुड एज अ टू एड लिटिल प्रोटीन, राइट। ये सब करना है हेयर डैमेज से रोकने से, हेयर फॉल रोकने से। दीज आर द फाइव क्विक टिप्स बोलिए, प्रो टिप्स बोलिए, दीज आर द प्रोफेशनल बेसिक्स। अगर ये नहीं है then no use of anything else, right? Just like this, बहुत सारे tips आपके पास आने वाले हैं, so keep watching this channel, keep subscribing, keep sharing. अकेले अकेले नहीं देखना है, share करना जरूरी है, सबको बताइए, share करते रहिए, and don't forget, all you need to do to stay healthy is to stay connected.